अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का आई नो मैच से आपको थोड़ा सा दूर आना पड़ रहा है लेकिन uh, पर्पस ये था कि आपको थोड़ा सा आगाह करें उन डिटेल्स के बारे में जो पिछले कुछ घंटों में uh, डिवेलप हुई हैं पिछला हफ्ता ही कुछ टफ रहा है लेकिन uh, पिछले 24 घंटे एक्सट्रीमली मुश्किल रहे हैं हमारे लिए दोनों क्रिकेट बोर्ड्स कॉन्स्टेंटली इन टच थे एक दूसरे के साथ नाइन आवर्स का टाइम डिफरेंस था तो हमारी रात थी उनका दिन था फिर हम जागे रहे फिर उनका दिन था हमारी रात थी चेंज होता रहा उठे रहे सारे बात करते रहे कॉन्स्टेंटली इन टच थे ये मेरा ख्याल कॉल आ रही तो फैसला फिर इस बुनियाद पे हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा थोड़ी सी डिस्कशन जो हमारी एक दूसरे के साथ हुई तीन जैसे कि आप जानते हैं प्लेयर्स थे जो पॉजिटिव टेस्ट किए थे रिजल्ट आया था उनका जब वो अराइव किए थे Uh, जो नाइन्थ दिसंबर को हमने उनका अराइवल पर टेस्ट लिया कल रात तीन और पॉजिटिव uh, रिजल्ट्स आए और एक प्लेयर उनका जो है वो सफरी सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी तो अवेलेबल नहीं था सो so, एक उनके माइंड में कंसर्न ये था कि हमारे जो टोटल टीम स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट हो गई है टू अ ग्रेट एक्सटेंट और दूसरा उनके अपने प्लेयर्स जो थे वो बहुत uh, परेशान थे और जहनी तौर पर वरीड थे कि हम क्या यहाँ पे कंटिन्यू कर सकेंगे कि के नहीं आ, उनके माइंड में ये भी कंसर्न था कि इधर जितनी देर हम और रहे हो सकता है कोई और पॉजिटिव केस आ जाए और हम शायद अपनी फैमिलीज के पास वापस क्रिसमस तक ना पहुँच सकें जो उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तो ये दो फैक्टर्स थे एक प्लेयर्स का वेलफेयर और दूसरा उनकी टीम की स्ट्रेंथ स्पेशली ओ के लिए कि क्या उनके पास इतने ओ स्पेशलिस्ट थे कि वो 11 लोग फील्ड कर सकें और उनका माइंड सेट ये था कि शायद हम 11 लोग ओडी के लिए ग्यारह क्रिकेट, क्रिकेटर्स को फील्ड ना कर सकें तो ये मद् नज़र रखते हुए दोनों क्रिकेट मैनेजमेंट्स ने ये फैसला किया कि इस ओ को जो सुपर लीग की मैचेस थे इनको हम पोस्टपोन कर दें और जून के अंदर 2022 में इनको हमने रीशेड्यूल किया और हम उसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट जो है वो हो गया हमारा कि पहले दो हफ्ते के अंदर अंदर ही जून के हम ये मैचेस को रीशेड्यूल करेंगे विद फुल स्ट्रेंथ टीम्स और कीपिंग द प्लेयर्स वेलफेयर आल्सो यू नो क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड एंड दैट बीइंग वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो प्लेयर्स उनके इस वक्त कोविड से डाउन है उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएँ हैं लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि और कोई राह नहीं निकल रही थी तो हमने इसको रीशेड्यूल कर दिया जॉनी ग्रेव जो सी हैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि आज का मैच उनकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से कंप्लीट कर पा रहे हैं हम थर्ड टी ट्वेंटी जो इस वक्त जारी है और बस ये कहना चाहूँगा कोविड टाइम्स में मुश्किल हालात हैं एक रियलिटी है कोविड अब जो हम लोगों को मैनेज भी करनी है और उसके साथ ज़िंदा भी रहना है और उसमें स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर इतना इम्पैक्ट आ रहा है इसकी वजह से तो कोशिश यही रहती है हमेशा कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो हम इनको प्रोवाइड कर सकें और मैनेज कर सकें इस इन्वायरमेंट को टू अ ग्रेट एक्सटेंट के विन विन सिचुएशन हो सके जो बायोसिक्योर इन्वायरमेंट हमने सेटअप की थी इस इवेंट के लिए मैंने मेडिकल टीम से भी बात करता रहा अभी भी की और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ना ही कोई ब्रीच हुई ना ही कोई ख़िलाफ वर्जी हुई और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स और मैच ऑफिशल हैं उन सब के रिपीटेड जो टेस्ट होते रहे हैं थ्रू आउट सब नेगेटिव आते रहे हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू से कि कब और कहां से वेस्ट इंडीज़ ने पिकअप किया लेकिन जो टाइम नज़र आ रही हैं उसे लग ये रहा है कि लाइकली ये है कि इन्होंने ये कोविड का स्ट्रेन जो है ये पिकअप किया सम टाइम इन ट्रांजिट जब ये दुबई के अंदर इकट्ठे हो रहे थे कुछ लोग इनके टी टेन खेल के आ रहे थे कुछ श्रीलंका से आ रहे थे जो टाइम हैं वो यही सजेस्ट कर रही हैं कि इट्स पॉसिबल एंड लाइकली इन फैक्ट कि ये उन्होंने पिकअप किया इन दुबई और यहाँ आके वो इनक्यूबेशन पीरियड जब ख़त्म हुआ तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुए हमारी प्री एग्रीड प्रोटोकॉल्स थी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के साथ जिसके तहत आइसोलेशन पीरियड्स हुए रीटेस्टिंग्स हुई अभी आज भी जो उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं जो प्ले प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं Uh, वो भी सारे नेगेटिव रिटर्न हुए uh, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओ के लिए उनकी टीम स्ट्रेंथ और प्लेयर्स का मेंटल हेल्थ देखते हुए ये फैसला किया गया कि हम इसको रीशेड्यूल करेंगे बातचीत उनसे एडिशनली ये भी हो रही है कि तीन टी ट्वेंटीज़ के ऊपर वो uh, फिर से पाकिस्तान आए ऐट डिफरेंट टाइम टाइम के ऊपर बात चल रही है लेकिन इन कोशिश यही होगी कि ये थ्री एडिशनल मैचेस भी हैं वो हम जल्द से जल्द करा पाए जो डिसमेंट है वो क्रिकेट फैंस की ओबियस है और इंतज़ामिया की भी ऑब्वियस है जिन्होंने अनथक कोशिशें की और बेस्ट टॉप नॉच बायो सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो प्रेजेंट की थी इस इवेंट के लिए लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं और जो गोइंग फॉरवर्ड चीज़ देखने वाली है एंड गुड थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू वो ये है कि अब जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होती है आज के मैच के बाद तो उसके फ़ौर बाद जनवरी में इन हमारी पी होगी और उसके फ़ौर बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके बाद सितंबर में इंग्लैंड का टूर है फिर हम वर्ल्ड कप के लिए चले जाते हैं और उसके बाद जब हम रिटर्न करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो फिर से इंग्लैंड के साथ मैचेस हैं और उसके बाद इसके ऊपर खैर फर्दर डिटेल हम आपको अगले हफ़्ते में देंगे बट न्यूज़ीलैंड की सीरीज भी प्लान हो रही है टूअर्ड्स दी एंड ऑफ द ईयर सो देट समथिंग टू लुक फॉर्वर्ड टू

मुता और दूसरा ये कि क्या आज का मैच जो हमने खेला आ, एक माना के रैपिड टेस्ट में नहीं आए आया पहले भी जो पिछले मैचेस थे वो भी रैपिड टेस्ट में वो लड़के नहीं आए थे अकील और शाह दो प्लेयर्स ऐसे थे जो हमारी टीम के साथ भी क्लोज कॉन्टेक्ट में रहे और अपनी टीम के साथ भी क्लोज कॉन्टेक्ट में रहे जो नेगेटिव है बट क्या ये हमने आज का मैच खेल कर अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं डाला अपने इनफैक्ट वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को भी ये दो सवाल ठीक है थैंक यू मैं सेकंड वाला पहले टैकल करता हूँ फिर वापस पहले वाले पे आता हूँ सो इसके ऊपर ऑब्वियसली पूरी एक मेडिकल टीम के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ uh, कल पाकिस्तान uh, और वेस्टर्न टीम वेस्ट इंडीज़ टीम दोनों के पी टेस्ट हुए थे और उसमें से जो रिजल्ट आए थे जो पॉजिटिव हैं आपके सामने हैं बाकी सब नेगेटिव थे तो ये जो रैपिड एंटीजन कराया गया ये जस्ट एज एन एडिशनल प्रिकॉशन था इंटरेक्शन बिटवीन वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान प्लेयर्स जो है वो मिनिमल है सिर्फ ग्राउंड के ऊपर हैं जिसमें डॉक्टर्स ने फील किया कि लाइकली इन ओपन एयर विद द काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग दैट देयर एग्जिस्ट अनलाइकली एक्सट्रीमली कि पाकिस्तान प्लेयर्स को ट्रांसमिट होगी ये डिजीज एंड पे हैंड शेक्स नहीं होंगे वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्होंने पुट इन प्लेस कर दिए हैं फॉर टूडेज मैच इज़ वेल आपका पहला सवाल रिगार्डिंग क्वारंटीनिंग uh, तो उसमें मेरा ख्याल है एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि नाइन्थ को ये आए इससे 24 घंटे पहले इन्होंने एक टेस्ट कराया होगा जिसमें पी PC, सी साहब पी सी आर नेगेटिव था तो वो ट्रैवल कर पाए ऑन अराइवल उनका एक और टेस्ट हुआ टेंथ uh, को कंप्लीट आइसोलेशन थी एलिथ की मॉर्निंग में एक और टेस्ट हुआ और उसके जब रिजल्ट आए तो फिर हमने प्रैक्टिस के लिए uh, इनकी टीम को अलाउ किया सो so ये ये पीरियड्स हैं ये यूज हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी यही हैं बांग्लादेश भी जब हमने टूर किया तो सिमिलर स्टैंडर्ड्स थे वही वाली बात आ गई है कि अब आपको अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कोविड को एज अ रियलिटी ट्रीट करना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं प्रोटोकॉल्स ये भी आपको बताते हैं जो पहले से प्री एग्रीड थे कि अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसको आइसोलेट करना है उसके साथ जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं उनको आइसोलेट करके रीटेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पूरी अदा की लेकिन अब वो डिफ़िकल्टी यही है और इसीलिए शायद इक्कीस प्लेयर भी एडिशनल आए थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इक्कीस प्लेयर आए थे इट्स अ बिग कंटिजेंट और वो इसीलिए आया था कि अगर खुदा ना खास्ता बीच में पॉजिटिव आ जाए तो फिर भी द शो गोज ऑन अनफॉर्चुनेटली उनके ओडीआई के प्लेयर्स अब इतने नहीं जमा हो पा रहे और उनकी प्लेयर्स की जो मेंटल स्टेट है इस वक्त उसको मद्देनजर रखते हुए सलमान साहब आप रीशेड्यूलिंग का जो टाइम है वो बता रहे हैं कि जून 2022। लेकिन जून में तो हमारा क्रिकेट सीजन नहीं होता इवन कराची में भी सख्त गर्मी होती है तो या तो फिर जल्दबाजी में जून अनाउंस हो गया होमवर्क नहीं हुआ कि तरह मैचेस होंगे नंबर टू ये कि अब पी एस एल सत्ताईस से शुरू होनी है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है तो क्या आप समझते हैं कि अब दोबारा रिस्टार्डा जो है उससे पी सी बी कॉन्ट्रैक्ट करेगा या आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इनफ हैं कि अब हमें किसी फॉरेन कंपनी की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सके माजे भाई रिस्टाटा जो है ना वो तो मेरा ख्याल है इन अ वे हमने ये स्टेब्लिश ही हो गया इस सीरीज के साथ भी कि ब्रीच और प्रोटोकॉल को मॉनिटर करती है ब्रीचेस तो अब मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स भी इतने एजुकेटेड हैं और ये साबित भी कर रहे हैं जो रिसेंट हमारा अभी टूर कंप्लीट होने जा रहा है कि ब्रीचेस तो नहीं है सो अगर ब्रीचेस मॉनिटरिंग के हमारे प्रोटोकॉल्स इतने अब स्ट्रांग हो गए हैं तो शायद रिस्टाटा की हमें जरूरत ना पड़े फ्यूचर में और दूसरी बात जहां तक शेड्यूलिंग की है तो आप जानते ही होंगे कि एफ टी पी प्री एग्रीड होते हैं और अप्रैल 2023 तक हमारा एफ टी पी पहले से ही अग्रीड है अब उसमें देखना ये होता है कि दोनों टीम्स कब फ्री हैं आ, तो उसमें एक तो ये कंसिडरेशन होती है दूसरी ये होती है कि हम चाहते थे कि जल्द जल्द अज जल्द इस टूर को कम्पलीट भी करें बिकॉज ये वो टूर है जिसमें सुपर लीग के मैचेज हैं जिसमें पॉइंट्स भी काउंट करते हैं वेदर तो आपने देखा होगा हमने अबू धाबी में जाके खेल लिया पी एस एल के रिमेनिंग मैचेज यहाँ से भी गर्म थे उस वक्त तो वो प्लानिंग ऐसी होगी इनशाला इवनिंग के मैचेस होंगे वेन्यू ऐसा सेलेक्ट किया जाएगा कि द मैच गो अहेड आई थिंक पास्ट में भी हम काफी मैच खेलते रहे हैं जून में uh, तो इनशाला द रिशेड्यूल मैच जून में ही रखेंगे uh, No, I think I just answered that earlier so, also. current time, you had to standard operating procedures there. <laughs> you had to follow that. Why didn't you go for that? So, it is... Days 14 days quarantine. Internationally, it has been done. Why? Because we always blame fortunate, unfortunate. Why is that? I mean, this is a good thing. Again, Pakistan Pakistan, 0.189% is for COVID cases. And then, there is not even one point. यहाँ ट्रेवल किया इस सिचुएशन से तो बेहतर ये था कि फोर्टीन डेज में क्वारंटाइन रखते हैं न्यू सीजन ओके आई थिंक आई पार्टली एड्रेस दैट बट आई री एड्रेस द क्वेश्चन एक तो आपने अब ये कंसीडर करना है कि दुनिया में क्या स्टैंडर्ड्स हैं और दुनिया में स्टैंडर्ड्स अब यही हैं जो प्रोटोकॉल के हमने पुट इन प्लेस किए हमने बांग्लादेश में भी यही देखे और बाकी दुनिया में भी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत हो रहे हैं और इन्हीं क्वारंटीन पीरियड्स के साथ साथ हो रहे हैं अगर आप चौदह दिन का क्वारंटीन पीरियड रखते तो शायद ये टूर पॉसिबल ही ना होता क्योंकि इतनी बड़ी तो विंडो ही नहीं थी जो आजकल एफ की शेड्यूलिंग चल रही है उसमें अगर आप चौदह चौदह दिन के क्वारंटीन पीरियड्स रखेंगे तो शायद शायद ही कुछ मैचेस हो पाए और बाकी आपको फिर प्रोबेबली फ्री मिलेंगे विदाउट एनी क्रिकेट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं क्वारंटीन पीरियड्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं एंड आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड में यही चल रहा है इस वक्त वहीदाईन सलमान साहब जो बात आपने की क्वारंटीन की हमें याद है न्यूजीलैंड में भी जब गए थे तो यही बात हुई थी कि शायद कमर्शियल फ़्लाइट या जो एक ट्रांसट है यही बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बट अभी जो प्रोटोकॉल थे तो बता भी दीजिएगा मेरी इलाके मुताबिक से कमर्शियल फ़्लाइट से दोनों टीमों ने ट्रैवल किया एक तो ये कितना मुश्किल है मैनेज करना एक या, या समझते हैं बतौर क्रिकेट बोर्ड एज अ कम्यूनिटी क्या ये एक एक रिस्क है जिसको हैंडल बेहतर तरीके से किया जा सकता है क्योंकि आखिर में वजह यही सामने आती है रिपीटेडली फ्रॉम न्यूज़ीलैंड टू नॉर्थ देश

Uh, बाकी ये है कि न्यूजीलैंड और जब हम न्यूजीलैंड गए थे और अब में बहुत चीज़ों में फ़र्क भी आ गया डेवलपमेंट्स भी हो गई हैं वैक्सीनेशन भी हो गई हैं पॉजिटिविटी रेशोज बहुत चेंज हो गए हैं सो so, उन सब चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं एंड दिस इज़ अ डिसीजन विद मेडिकल टीम्स और बोथ टीम्स टेक सो ये क्रिकेट वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की दोनों मेडिकल टीम्स बैठ के ये फैसला करती हैं कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगी और उसके मुताबिक ही सीरीज आगे जाती है और एंड आई आई रिपीट इट इज नॉट यू नो इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल करंट स्टैंडर्ड्स हर स्पोर्ट के अंदर ये इफेक्ट हो रहा है क्रिकेट के अलावा भी आप देखेंगे फुटबॉल में मैचेस रीशेड्यूल हो रहे हैं क्रिकेट में आप देखेंगे आज पैट कमिन्स जो है कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के वो नहीं खेल पा रहे क्योंकि वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रह गए थे विद सम मैनचेस्टर टेस्ट आप रिसेंटली देखेंगे वो भी पोस्टपोन हो गया और रीशेड्यूल हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये एक रियालिटी हमने इसके साथ जीना है कई दफा, we'll well, कई दफ़ा दफ़ा विल डू वेल आएंगे जहां मुश्किल का सामना करना पड़ेगा uh, सलमान साहब uh, ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी वेस्ट इंडीज वाला uh, एक सवाल ये है कि क्या इसका कोई ऑस्ट्रेलियन टूर पे फर्क पड़ेगा बिकॉज वी नो दैट आर वेरी फिनिकी अबाउट दिस क्योंकि इन द पास आउट ऑफ साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज और वो बड़ा घबराते इस चीज से दूसरा जब ऑस्ट्रेलिया आएगा

विद दी अरेंजमेंट्स जो हमने पुट इन प्लेस किए फॉर दिस सीरीज जहाँ तक बायोसिक्योर अरेंजमेंट्स uh, का सवाल है वो अगेन लाइक आई सेड दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के प्री एग्री करेंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगी कितना क्वारंटीन पीरियड होगा सो दैट इज समथिंग टू बी सीन बट आई फील देर शुड बी एबसुलूटली नो इम्पैक्ट ऑन दी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इन टेकिंग डिसीजन बिकॉज ऑफ दिस इस इंसिडेंट में सिंपली ये नजर आ रहा है कि एक क्रिकेट टीम इन ट्रांजिट एक डिजीज लेके आई और वो उनके कैंप के अंदर ही स्प्रेड हो गई अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान सब नेगेटिव है मैच ऑफिशियल सब नेगेटिव है सो so ये आइसोलेटेड उनके ग्रुप के अंदर ही एक डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है जिसकी वजह से हमें ये रिशेड्यूल करना पड़ रहा है मुजम्मिल भाई और महमूद अच्छा सलमान साहब अपार्ट फ्राम दिस मै क्विक क्वेश्चन है कि लगता है कि पी सी पी की मार्केटिंग टीम आ, बिल्कुल फेल हो चुकी है क्योंकि अट्रैक्ट नहीं कर पाए क्राउड को इस तरीके से आगे आप बता रहे हैं कि पी एस एल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है न्यूजीलैंड टीम आ रही है तो उस पर कुछ काम समझते हैं होना चाहिए ताकि ग्राउंड्स पे लो जी बिल्कुल आई थिंक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है और uh, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये सीरीज़ जो थी अगेन इसकी जो प्रमोशन थी और इसके इर्द गिर्द uh, जो मार्केटिंग थी उसमें बिल्कुल इम्प्रमेंट आ सकती है और आगे करेंगे भी दूसरा जो डिफ़िकल्टी आई आई थिंक वो इसमें भी आई कि जब हमने कंसल्ट किया वेरियस एजेंसी से और रेलिवेंट स्टेक होल्डर से तो एक प्लान बना इन कंसल्टेशन विद एवरीबडी एन सी भी हो गया इसमें लॉ एनफोर्समेंट भी हो गया सब चेक्स थोड़े ज्यादा हैं वायल क्राउड इज कमिंग इन और उसकी वजह से आई थिंक लोग थोड़ा डिस्करेज भी हो जाते हैं आज आ, हमारी टीमें भी बाहर खड़ी थी मैं खुद भी राउंड पे गया हमने कोशिश की कि इसको स्ट्रीम करें खुद एक्सपीरियंस भी किया चल के कि क्या ऐसी डिफिकल्टी है एक फ़ैन को अंदर आते हुए इसको हमने रिड्यूस करना है सबकी मशावरत के साथ और उसके लिए एक कमिटी भी बन गई है और इनको हम आगे इम्प्रूव भी करेंगे ऑनलाइन भी अवेलेबल है आउटलेट्स पे भी अवेलेबल है दोनों जगह अवेलेबल है हमने भी यही नोट किया है कि बॉक्स ऑफिस की डिफिकल्टी अगेन ये है कि वो एक जगह पे क्राउडिंग हो जाती है तो हमें जो एडवाइस आता है फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स वो यही आता है कि बॉक्स ऑफिस ना रखें आउटलेट्स और ऑनलाइन पे फोकस करें बट हम मशावरत जारी रखेंगे उनसे और आसानियाँ पैदा करना चाहेंगे फॉर द फैंस बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कर देते टिकट बूथ्स विद बॉक्स ऑफिस दिस इज एक्सप्रेस न्यूज क्वेश्चन है कि एक्सक्यूज आई सडनली डिसीजन लेना पड़ा टीम का डिपार्चर हो रहा है तो इसमें सडनली क्योंकि डिसीजन लेना पड़ा तो कोई इसमें इनकी डिपार्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हुई और एक्चुअली इनका डिपार्चर कब होगा और सेकेंड चीज़ सिक्स प्लेयर्स और तीन ऑफिशियल्स जो कि यहाँ पर कोरोटाइन में रहेंगे उनके हवाले से क्या क्या इट्स मीन दैट दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस ओवर हीयर सो उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स इस वक्त वर्कआउट हो रही हैं और बुकिंग्स जो हैं वो वर्कआउट हो रही हैं सो so, उसकी तफसी मेरा ख्याल है कुछ देर तक हमें पता चलेंगी एग्जैक्ट क्या है बट कोशिश यही है कि जो नेगेटिव हैं उनको जल्द अज जल्द वापस उनके घर पहुँचाया जाए और जो पॉजिटिव टेस्ट किए हैं वो आइसोलेट करें अपनी आइसोलेशन कम्प्लीट करें नेगेटिव पी सी आर के साथ वापस ट्रैवल करें आई थिंक सारा ही पहुँच पाएंगे वापस क्रिसमस के लिए अच्छा सलमान जैसे आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटरनेशनल उनके ट्रांसिट बहुत ज़्यादा थे तो ये बात तो पहले से पता थी और आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल मीडिया खसूस हमसाया ममालिक बड़ा ईजी टारगेट रही है तो आज की इसके बाद आप एक इंटरनेशनल मीडिया जो है ख़ास तौर पर इस चीज़ को अगर वो करता है तो कितना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है देखिए प्लेजेंट तो कभी नहीं होता इस तरह एक सीरीज़ का रीशड्यूल हो जाना लेकिन जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है कि प्लेयर का वेलफेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सो so, हमने हमेशा फैसले ऐसे लेने हैं जो उसके डेटरमेंट में ना जाए आपने प्लेयर का वेलफेयर भी देखना है आपने सिचुएशन को पूरी तरह मॉनिटर भी करना है और उसके बेसिस पे फैसला करना है तो आज फैसला उसी बुनियाद पे हुआ शोएब, नसीम भाई और लास्ट थ्री क्वेश्चंस। थैंक यू ना मैच चल रहा है चलो आप चौथा कर लेना भाई चले सामिकम सलमान नसीर साहब <laughs> का हवाला दिया वो नेक्स्ट टेबल पे वो बंदा आके बैठा और उसकी वजह से उसको आज का मैच नहीं खिलाया गया दो बंदे जिन्होंने लास्ट मैच पाकिस्तान टीम से खेला आपने उस स्क्वाड से आज पाकिस्तान का मैच करवा दिया अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव आ जाए

और उनका फैसला ये था कि एक्सट्रीमली अनलाइकली है कि ये ट्रांसमिसेबल है इन ग्राउंड वाइल अ मैच इज बींग प्लेड जब सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा रही है सो इट इट इज लेड बाय मेडिकल टीम्स और उनका यूनानिमस डिसीजन ये था कि इट इज़ सेफ टू प्ले टुडे एंड इन इट विल सलमान साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप uh, अभी न्यूजीलैंड की टीम इंडिया खेल कर गई आ, लंका प्रीमियर लीग श्रीलंका में जा रही है उससे पहले सीरीज हुई पाकिस्तान टीम बांग्लादेश खेल के आ रही है कहीं पर भी आ, अगर आपने इंडिया की जैसे अभी एग्जाम्पल दी थी कि वो इंग्लैंड छोड़ के गए थे तो उनका आई पी एल सर पड़ता तीन दिन के बाद शुरू हो रहा था टेस्ट मैच के बाद तो उनके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन हम हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स जब पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा होता है दरमियान के अंदर आके बैठे होते हैं और आके बता रहे होते हैं कि ये सूरत हाल हो गई ये सूरत हाल हो गई हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट पे, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या रहे पहले सिक्योरिटी की बात होती थी अब कोविड की बात होना शुरू हो जाएगी कि अब पी होता है तो नहीं संभलता जो भी होता है अब इसको ज़रा आने वाले वक्त में क्या असरात हैं सो अगेन आई थिंक मुश्किल वक्त हैं सब के लिए और अगेन आई रिपीट के सारे स्पोर्ट्स अफेक्टेड हैं इससे इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट Uh, लेकिन इन जो यहाँ से प्लेयर्स वापस जा रहे हैं जो रैकी टीम यहाँ से होके जा रही है आई एम कॉन्फिडेंट कि वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रही हैं उनके उनके लिए टॉप क्लास अरेंजमेंट्स किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ बायोसिक्योर इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड ये देख लें आप इस बात का टेस्टमेंट है कि दे आर ईगर टू कम बैक सो दे ऑल्सो वॉन्टिड कि जल्द अज़ जल्द हम वापस आएँ और ये टूर कंप्लीट करें और इनशाला वो करेंगे

डिफ्रेंट पार्ट ऑफ़ द वर्ल्ड से लोग आ रहे होते हैं और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी बुरा रहा है तो हमारी कोशिश होगी इस दफ़ा कि हम एक्स्ट्रा कॉशस रहें और उस एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के अंदर वी आर लुकिंग एट ऑल्सो के कराची में होटल को पूरी तरह बुक कर दें सो इट इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ फ्राम एक्सटर्नल सोर्सेज पूरा पूरा होटल बुक होगा और वो प्लेयर्स के लिए अवेलेबल होगा रिक्रिएशनल फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होंगी ये हमारी लर्निंग्स भी हैं पिछली एक दो पी के अंदर से सिमिलरली लाहौर में एक पूरा विंग हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पूरा विंग जो सेपरेट और आइसोलेट हो सकता है उसको बंद कर दें होटल की इंतज़ामिया बी बबल के अंदर ही रहे सो वेरियस प्रोटोकॉल्स और वो इन जब फाइनलाइज होंगी आप लोगों से शेयर भी करेंगे सलमान साहब सिक्योरिटी वक्त आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया का और जब ये मैचेस भी स्टार्ट हो गए थे टी तो तीन प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज़ के वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो सिक्योरिटी वक्त ने किन एक्सपेक्ट का जायज़ा लिया कराची के अंदर और उनकी रिपोर्ट कैसी रही अब जबकि वो मेरे ख्याल में, में यहाँ नहीं है पाकिस्तान में जा चुके हैं तो अब क्या इम्पेक्ट पड़ेगा उनकी उस रिपोर्ट पर जो यहाँ से वो रिपोर्ट मरतब करके गए थे रिपोर्ट तो वो देंगे उधर तो पता चलेगा लेकिन जो मेरी फीलिंग है वो यही है कि पॉजिटिव गए हैं यहाँ से उन उन्होंने कराची में खाली नहीं वो लाहौर और पिंडी भी गए हर स्टेक होल्डर से उनकी मुलाकात हुई हुत के इदारों से उनकी मुलाकात हुई एजेंसी से उनकी मुलाकात हुई सारे स्टेडियम्स उन्होंने विजिट किए होटल की फैसिलिटीज उन्होंने विजिट किं एंड आई थिंक देपी आपने यहाँ से थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यूं यू फॉर याइम